हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज संडे है तो कुछ स्पेशल तो बनता ही है। यहाँ पे मैंने चिकन बनाया है। चिकन के लिए सबसे पहले मैंने 5 प्याज ले लिए हैं, मोटे मोटे वाले, और मोटे मोटे काट लिए हैं। लहसुन लिया है और सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च ली है। फिर यहाँ पे दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, काली मिर्च ले लिया है। अब यहाँ पर हमने कुकर लिया है। कुकर को गर्म नहीं किया है, बिना गर्म किए आपको इसे प्याज का लेयर बनाना है। सबसे पहले आप आधे प्याज डाल देंगे, उसकी एक लेयर बना लेंगे। उसके बाद फिर जितने भी ये जो खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, उसका एक लेयर बनाना है। तो इस तरह से पहले हमने प्याज का लेयर बनाया, उसके बाद जितने भी खड़े मसाले होते हैं, गरम मसाले, उसका लेयर बनाना है आपको। ये लेयर बन जाने के बाद फिर इसमें हमको डालना है लहसुन। तो आपने आधी लहसुन डालनी है आपको। बाद में जब लहसुन डल जाए, लहसुन का लेयर बन जाए, तो आपको यहाँ पे चिकन के लेयर बनाने हैं, चिकन डाल देने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सारे चिकन डाल दिए हैं। उसके बाद फिर जो हरी मिर्ची थी वो डाला। हरी मिर्ची डालने के बाद आपको जो हमने थोड़े से प्याज बचाए रखे थे ऊपर से वो डालना है, और थोड़े से जो लहसुन रखे थे वो भी आपको चिकन के ऊपर डाल देना है। तो मतलब कि आपको लेयर्स बनानी है। और फिर यहाँ पे मैंने पीसे हुए जो अदरक थे उसका भी एक लेयर बना दिया है। अब यहाँ पे जितने भी सूखे मसाले हैं, नमक, फिर इसमें डाला हमने हल्दी, नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, फिर यहाँ पे डाल दिए सूखे लाल मिर्च, और फिर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया हमने। और यहाँ पे हमने लिया है चिकन का एवरेज का चिकन मसाला, वो भी मैंने यहाँ पे 1-2 चम्मच के अनुसार डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है। मसाले को आप ज़्यादा से जितना आपको इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 1 कप रिफाइंड ऑयल लिया है। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल से ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन आपको उसको गरम करके डालना पड़ेगा। अब ये लेयर बन चुकी है, तो मैंने गैस जलाया और कुकर को बंद कर दिया। पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, एकदम हाई फ्लेम पे आपको 1 सीटी लगानी है, फिर कुकर को निकाल लेना है, ओपन करना है। अभी देखिए, अभी पूरा पानी से भर चुका है, चिकन गल चुके हैं, हमारे टमाटर जो भी प्याज व्याज थे वो सब गल चुके हैं। तो इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है, मतलब कि तेज आंच पे इसका पूरा पानी सुखाना है। इसमें जितना पानी है वो चिकन का पानी है, प्याज का पानी है। तो इसको आपको ऐसे ही कम से कम 10-15 मिनट तक आपको ये सुखाना है। पूरा पानी को एकदम से सुखा लेना है। चिकन हमारे पूरी तरह से एकदम गल चुके हैं, अच्छा बन चुका है, पानी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो पानी आपको पूरा सुखा लेना है। फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप इस तरह से आप ज़रूर बनाना, बहुत अच्छा लगता है। और एक तो ये बहुत इजी प्रोसेस भी है कि इसको आप बैचलर हो तो और भी, मतलब कि अगर उनके पास टाइम नहीं हो खाना बनाने का, जिनको ऐसा लग रहा हो बहुत मेहनत लगती है, वो बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमने पानी सुखा लिए है, इसमें तेल कुकर में तेल छोड़ रहा है, तो ये पूरा अच्छे से सूख चुका है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। कम समय में बहुत टेस्टी चिकन खाना हो तो ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे फिर ये पानी पूरा सूख चुका है, कुकर में तेल छोड़ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और ये हरी धनिया काट कर इसको अच्छे से गार्निश किया है। ये देखिए गाइस, ये हमारा चिकन बहुत ही इजी वे में बहुत अच्छे से रेडी हो गया। खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और देखने में बहुत टेम्पटिंग है ये। तो मैंने इसको चावल के साथ, आज हमने इसको चावल के साथ खाया। यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है, और फिर मैंने चिकन ग्रेवी लिया। तो गाइस, आप भी एक बार श्योर ट्राई करें, और इस तरीके से जल्दी अगर आपको बनाना हो तो आप इसी तरह से बनाएं, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं।
एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। सो हैप्पी संडे एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।